हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग विद बत्तख चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कपड़े और डर भी रही हूँ छत पे कि कहीं बारिश हो जाएगी तो फिर पूरे पूरे कपड़े बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, बेटा जी अंदर कपड़ा डाले थे और मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कट्ठा ले जाके यहाँ बीच वाले तार पर डाल देती हूँ। देखना पड़ता है ना घर में, बच्चे तो देख नहीं सकते। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो देखिए कितना वजन लेके मैं चल रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो छत पे तो आ गई हूँ, शायद श्रेया अभी नहा रही हैं आज, मतलब यहाँ पे टेरेस पे नहा रही हैं। तो छत पे तो मैं आ गई हूँ लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। दरवाज़ा क्योंकि श्रेया भी छत पे हैं तो आवाज़ लगाती हूँ। श्रेया बेटा आ जाओ, तो फाइनली मैं आ गई छत पे। और बादल देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम घिरे हुए हैं। और बट ना नीचे बीच में कपड़े डाल देते हैं, सासू जी कल कहीं गई थी, रुद्राभिषेक था, तो इसलिए मैं छत पर कपड़े लेके आई हूँ। और इतने मन से मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो ये लगता है यार खूब अच्छे से इसको साफ से फैला के तार पे डाल दो ताकि अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे मैं देखिए बाकी सारे कपड़े एक एक करके मैं यहाँ पे तार में डाल दे रही हूँ। अब देखिए मौसम का जादू है मितवा, अब कब भगवान जी बरस दें कुछ मतलब पता नहीं है। लेकिन अभी आजकल भगवान जी एक हफ्ते से हमारे यहाँ बारिश हो रहा है। बादल को देख के आपको पता चल रहा होगा कि बारिश हमारे यहाँ एक हफ्ते से कंटिन्यू हो ही जा रहा है, कभी गैप होता है कभी हो ही जाता है। ये लुक कैसा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ये जो है एक चाय पत्ती नहीं आती, इससे ग्रीन टी बनाते हैं हम। और आजकल हस्बैंड नहीं पी रहे हैं तो सुबह वो आ जाते थे तो ले जाते थे। तो यहाँ जो बाकी कपड़े बचे हुए हैं वो भी मैं डाल रही हूँ। और इसका जो पत्ती है ना वो अब जैसे जैसे बारिश हो रही है ना तो इस फाइनली मैंने यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं। और ऐसे बताएं मैं नीचे बीच में कपड़े डालती हूँ तो इतनी संतुष्ट नहीं होती। जब गर्मी रहता है तो चलो ठीक है कपड़े डाल दी हूँ अंदर, मतलब जो तार बंधा हुआ है वहाँ पे कपड़े आराम से सूख जाएंगे। अभी डाल देती हूँ वैसे ही पड़ा रह जाता है तो मैं आ भी नहीं पाती। मैंने सोचा कि यहाँ पे डालूँगी तो एक जिम्मेदारी मुझे रहेगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कपड़े जो है मेरे एकदम कहने का मतलब, और मेरा कपड़ा जो है सूखा नहीं रहता तो मुझे बहुत स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से स्मेल आती है कपड़े से। और एक भी कपड़ा अगर मुझे टेढ़ा टाढ़ा सा लगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता डालते समय। इतने मेहनत से उसको धुलो फिर इधर उधर डालो फिर मुझे बहुत ख़राब लगता है। तो यहाँ पर कपड़े मैंने डाल दिए हैं, श्रेया भी नहा ली हैं और टावल यहीं पर डाल देना बेटा। तो आज हेयर वॉश करी हैं मैंने, उस साइड कपड़े जो डाले तो डाल दिए तो साड़ी का जगह नहीं बच रहा था तो मैंने साड़ी यहाँ पे डाल रही हूँ। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है बट डाल भी रही हूँ डर भी रही हूँ अंदर से कहीं बारिश हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि नीचे का फ्लोर में तो यहाँ पे देख लीजिए गंगा जी जो है और मैं आपको बढ़ रही है दिखा रही हूं। और देखिए कल यहाँ पे पानी नहीं किया है और गंगा जी पर से दिख रहे थे लेकिन जितनी हिसाब जितनी ज्यादा संख्या में दिख रही है मेरे व्यूअर से उतना नहीं था, बोलते रहे थे कि क्या वहाँ पे बैठ के आप मतलब कहने का मतलब कि लाइव नहीं कर सकते हो तो दूर पड़ जाता है, देखने में छत पे है लेकिन जाने में घूम के ना तो दूर पड़ता है। तो मौसम का कुछ इस तरह से हाल हो रखा है और बढ़िया है होना भी चाहिए जल चढ़ाने क्योंकि मौसम आजकल नहीं बरस रहे थे हमारे यहाँ ना। आदमी रिस्क लेके डाल रहा है क्योंकि 30-35 दिन तक लगातार कंटिन्यू बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। कपड़े धुल लो मेहनत करके और उसके बाद अगर मौसम ख़राब होता है कपड़े डाल दो फिर बारिश हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है ना, भीग गया तब फिर मन ख़राब हो जाता है।
तो मैं चलूँ? क्यों? तो मैं जल चढ़ा ली हूँ, श्रेया जल चढ़ा रही है, और श्रेया जल चढ़ा लेगी फिर हम लोग नीचे जाएंगे। भूख बहुत ज़ोरों से लग जाती है। मौसम का जादू है मितवा, यही बारिश नहीं हो रही थी तो ये गाना भी नहीं आ रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा था। अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, छत पे कपड़े डालूँगी और इसके बाद देखिए पौधों में जो रौनक आ रही है ना, धीरे धीरे करके आ रही है लेकिन आ रही है। तो बस यहाँ पर हमने कपड़े डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए गंगा जी जो है एकदम रफ्तार से बढ़ रही हैं, और देखिए कल यहाँ पे पानी नहीं था और छत पर से दिख रहे थे, लेकिन जितनी हिसाब जितनी ज़्यादा संख्या में आज दिख रही हैं ना, उतना बादल भी कुछ इस तरह से उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। तो हमारे के यहाँ रात के खाने में बन रहा है छोला, तो मैंने सोचा जब छोला बन ही रहा है ना तो फिर मैं टिकिया बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टिकिया मैंने दोनों साइड में अच्छे से सेक लिया है, सेक लिया है मतलब ऑयल लगा दिया है, और इसको तो इसी तरह से बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी चाट, और चाट के लिए मैंने आज चॉपर का इस्तेमाल किया है क्योंकि चॉपर मैं जल्दी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ आजकल। तो मैंने यहाँ प्याज कट कर लिया है और बहुत अच्छा से ये चॉपर से कट हो जाता है। और चलिए तो हम चॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए इसलिए ये चॉप हो चुका है और कितना अच्छा बारीक से हो गया है। इतना अगर हम बारीक कट करते तो भी नहीं है अच्छे से होता। अभी जो इसको नहीं लिए हैं वो ऑनलाइन इसको फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से आप परिचित इसको आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, और बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ये चॉप हो गया है, तो बस खीरा को भी कट कर लेते हैं। खाने की तैयारी भी हो गई है, मतलब पूरी हमको तलना है, तो सोच रही हूँ किसकी तैयारी करती रहूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए खीरा भी कट हो गया है। तो चलिए मैं भगवान जी का जल चढ़ा देती हूँ, और जल चढ़ाने से पहले मैं यहाँ समीर देव का जो रुद्राभिषेक में चढ़ता है ना शंकर जी को सावन के महीने में, और यहाँ पे मैंने बेल का पत्ती भी बेल का पौधा भी लगा के रखा है। तो कहते हैं कि बेल के पौधे की जो पत्ती चढ़ती है ना वो ऐसा होता है कि जैसा तीन हो और उसमें छोटा मतलब कोई भी टुकड़ा ना हो, लेकिन क्या किया जा सकता है, जैसे हम लेते हैं तो उस टाइम तो कुछ न कुछ टूटा ही रह हो मतलब टूट ही जाता है या टूटा रहता है। तो बस मैंने बेल के पत्ती पहले से ले लिया था, चावल डाला था, और इसमें सभी जितने मतलब जैसे लक्ष्मी नारायण और तुलसा जी और समी देव और शंकर जी को जल चढ़ाया, फिर मैंने सूर्य देवता को चढ़ाया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रही हमारी संग मतलब पूजा जो कि हो चुकी है। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।